Hello students, I am your math teacher Charu. Today we will discuss exercise 10.5 of chapter 10 Circles of class 9th from NCRT book. So first of all before starting questions of exercise 10.5 we will discuss some basic concept related to exercise 10.5. First is if two chords of a circle are equal then their corresponding arcs are congruent एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल विच मीन्स सर्कल के टू कोड्स अगर इक्वल गिवन है देन उनकी जो कोरस्पोंडिंग आर्क्स होंगी वो कांग्रेन हो जाएंगी कन्वर्सली हम कह सकते हैं कि अगर टू आर्क कॉन्ग्रेंट है देन कोरस्पोंडिंग कोर्ट्स इक्वल हो जाएंगी टू कोड्स सर्कल की इक्वल है तो कोरस्पोंडिंग आर्क्स कांग्रेंट होगी कन्वर्सली हम कह सकते हैं कि जो आर्गस हैं अगर कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग कोर्ड्स इक्वल है नाउ नेक्स्ट कांग्रेन ऑफ़ अ सर्कल सब्टेंट इक्वल एंगल्स एट द सेंटर विच मीन्स कॉन्ग्रेंट आग सर्कल की सेंटर पर इक्वल एंगल सब्टेंट करेंगी अब यहाँ पर कॉन्ग्रेंट आर्क्स कहें या फिर हम कहें इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर इक्वल जो आर्क्स होंगी सर्कल की वो इक्वल एंगल सब्टेंड करेंगी सेंटर पर सो so, फिगर देख लेते हैं यहाँ पर सर्कल का फिगर है जिसमें ए बी और सी डी कोट्स हैं अब फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा था कि टू कोट्स अगर इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग आर्क्स उनकी इक्वल होंगी यानी कि कॉन्ग्रेंट होंगी ए बी सी डी इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या हो जाएंगे कांग्रेंट हो जाएंगी सेकेंड पॉइंट में हमने कहा था कि आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर अब यहाँ पर ए बी सी डी हैं और कॉन्ग्रेंट आर्क्स यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे? इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे सेंटर पॉइंट पर तो इस तरह से यहाँ पर जो यह एंगल सेंटर पर है ये इक्वल होंगे नाउ नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम टेन पॉइंट एट द एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल विच मीन्स थ्योरम टेन पॉइंट एट में कहा गया है कि जो एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर यानी कि जो आर्क एंगल सब्टेंड कर रही है सेंटर पर वो डबल होगा एंगल सप्टेंडेड बाय इट यानी कि जो आर्क किसी भी पॉइंट पर सर्कल के रिमेनिंग जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट के किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल फॉर्म करेगी तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल फॉर्म हुआ है अगेन देख लेते हैं एंगल सप्टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल सेंटर पर जो आर्क ने एंगल सप्टेंड किया है वो डबल होगा कौन से एंगल से डबल होगा एंगल सप्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है उस पर कोई भी अगर एंगल फॉर्म हुआ है तो वो हाफ होगा सेंटर से यानी कि सेंटर पर जो एंगल बना है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होगा तो इससे रिलेटेड हम फिगर देख लेते हैं सो फर्स्ट फिगर देखते हैं सर्कल ट्रो किया गया है जिसका सेंटर है ओ अब यहाँ पर आर्क पी क्यू सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रही है वो है एंगल पी ओ क्यू अब जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि इस ये है रिमेनिंग पार्ट तो इस रिमेनिंग पार्ट पर हमने एक पॉइंट लिया ए अब ए यहाँ पर जो पॉइंट है उसे हमने पी से ज्वाइन किया और क्यू से ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो बना है पी ए क्यू तो रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हुआ है पी ओ क्यू वो पी ए क्यू से डबल होगा यानी कि एंगल पी ओ क्यू डबल हो जाएगा टू टाइम्स हो जाएगा पी ए क्यू का तो इस तरह से हमने यहाँ पर राइट किया फर्स्ट में एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू नाउ सेकेंड देखते हैं सर्कल ड्रो किया गया है सेंटर ओ है अब इससे यहाँ पर पी क्यू पास हो रही है जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये यह डाया है सर्कल का क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है अब यहाँ पर जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हुआ है वो है एंगल पी ओ क्यू बट यहाँ पर ये यह डाया है देयर फॉर ये टू जो पार्ट्स हुए हैं सर्कल के वो सेमी सर्कल हैं यानी कि पी क्यू आर्क ने जो सेंटर पर एंगल फॉर्म किया है वो है एंगल पी ओ क्यू जो कि डबल हो जाएगा अगर हम रिमेनिंग पार्ट पर अब रिमेनिंग पार्ट है ये इस पर हमने एक पॉइंट लिया ए तो इसको हमने पी और क्यू से ज्वाइन किया तो एंगल बना पी ए क्यू तो जो एंगल पी ओ क्यू है वो टू टाइम्स हो जाएगा एंगल पी ए क्यू से तो पी ओ क्यू डबल होगा पी ए क्यू तो इस तरह से हमने राइट किया बट यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये एंगल हो जाएगा वन एटी का तो हमने पी ओ क्यू वन एटी लिया नाउ टू टाइम्स है पी ए क्यू से अब लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे टू को डिवाइड में हो जाएगा वन एटी डिवाइड बाई टू नाइन्टी के इक्वल आएगा तो इस तरह से एंगल पी ए क्यू नाइन्टी के इक्वल आया तो हमने देखा कि सेमी सर्कल में जो हमने यहाँ पर एंगल पी ए क्यू देखा था ये यहाँ पर एंगल नाइन्टी के इक्वल आया तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि एंगल इन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल होगा नाउ थर्ड फिगर देखते हैं फर्स्ट फिगर में हमने यहाँ पर पी क्यू जो थी वो है माइनर आर्क थी यहाँ पर सेमी सर्कल फॉर्म हुआ थर्ड में है पी क्यू मेज़र आर्क तो जो मेज़र आर्क पी क्यू है अब पी को हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो जो मेज़र आर्क है सेंटर ओ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट अगर रिमेनिंग पार्ट पर हमने ए पॉइंट लिया तो पी को ए से ज्वाइन किया और क्यू से तो जो यहाँ पर एंगल पी ए क्यू है ये रिमेनिंग पार्ट पर है मेज़र आर्क के तो जो एंगल है? वो एंगल क्या होगा यहां पर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू होगा तो रिफ्लेक्स एंगल जो पीओ क्यू फॉर्म हुआ है, वो डबल हो जाएगा रिजल्ट से पी ए क्यू एंगल के। तो हमने यहां पर राइट किया रिफ्लेक्स एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू तो इस तरह से हमने यहां पर टेन पॉइंट एट थ्योरम डिस्कस किए जिसके हमने थ्री केस डिस्कस किए माइनर आर्क डायामीटर यानी कि जो सेमी सर्कल फॉर्म हुआ है पी क्यू आर्क से नेक्स्ट हमने मेज़र आर्क लिया तो तीनों में ही हमने यहाँ पर रिजल्ट चेक किया कि जो सेंटर पर एंगल है वो डबल है इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग अगर एंगल फॉर्म हुआ रिमेनिंग पार्ट पर नाउ नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम टेन पॉइंट नाइन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ आ सर्कल आर इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ आ सर्कल आर इक्वल यानी कि अगर एंगल फॉर्म हुए हैं सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल में वो क्या होंगे इक्वल होंगे अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हमने पी क्यू लिया है तो एंगल हुआ है फॉर्म पी ए क्यू ऐसे ही एंगल पी सी क्यू तो जो ये एंगल पी ए क्यू पी सी क्यू फॉर्म हुए इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे पी सी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए क्यू के तो अगर हम सेंटर पर एंगल फॉर्म करें पी ओ क्यू हमें पता है कि टेन पॉइंट एट थ्योरम में कहा गया था कि जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हुए वो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल फॉर्म हुए हैं पी ए क्यू और पी सी क्यू एंगल फॉर्म हुए हैं तो उनका वो डबल होगा यानी कि जो एंगल पी ओ ओ यहाँ पर सेंटर है पी ओ क्यू इक्वल हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ एंगल पी ए क्यू और अदर हम क्या कह सकते हैं वो इक्वल होगा टू टाइम्स ऑफ एंगल पी सी क्यू यानी कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो टू टाइम्स होगा पी सी क्यू के और होगा वो टू टाइम्स पी ए क्यू की तो ऑटोमेटिकली जो पी ए क्यू और पी सी क्यू जो एंगल सेम सेगमेंट में है वो इक्वल हो जाएंगे नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं थ्योरम टेन पॉइंट वन जीरो इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेन इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाइ ऑन अ सर्कल फिकर देखेंगे अब यहां पर एक सर्कल ड्रो किया गया है तो लाइन सेगमेंट ज्वाइन की गई है टू पॉइंट से अब यहां पर हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ली है ए बी जो कि सब्टेंड कर रही है इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट यानी कि सी और डी पॉइंट पर इक्वल एंगल सब्टेंड कर रही है अब जो ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेम साइड पर है लाइन सेगमेंट के ए बी के सेम साइड पर ये एंगल ए सी बी ए डी बी फॉर्म हुआ तो ये जो फोर पॉइंट्स हैं ए बी सी एंड डी ये फोर पॉइंट्स सर्कल पर ही लाई करेंगे दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक कॉन्साइक्लिक मीन्स अगर सर्कल पर ही पॉइंट्स लाई करेंगे तो हम यहां पर कहेंगे उसे कॉन्साइक्लिक तो यहां पर जो कॉन्साइक्लिक फॉर्म हुआ है जो कौन साइक्लिक पॉइंट ए बी सी डी है वो सेंटर जो यहाँ पर है उसे सेम डिस्टेंस पर होंगे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इनकी डिस्टेंस सेम होगी नाउ नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल अब एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को हम साइक्लिक कब कहेंगे इफ ऑल द फोर वर्टिसेस यहाँ पर फोर वर्टिसेस ए बी सी डी क्वारिलेटर के जो फोर वर्टिसेस हैं वो सर्कल पर ही लाई करेंगे तब हम उसे साइक्लिक क्वारिलेटर कहेंगे थ्योरम टेन पॉइंट वन वन डिस्कस करते हैं द सम ऑफ आईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वारिलेटर इज वन एटी यानी कि साइक्लिक क्वाडिलेटर के अपोजिट जो एंगल हैं उनका जो सम होगा वो वन एटी की इक्वल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा थ्योरम 10.11 के अकॉर्डिंग नाउ नेक्स्ट थ्योरम 10.12 इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 गिवन है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगी साइक्लिक बन जाएगी अब यहां पर फिगर भी दिखाया गया है जिसमें जो क्वारिलेटर ए बी सी डी के जो वर्टिस बी सी ओ डी ये सर्कल पर ही लाई करते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे साइक्लिक क्वाडिलेटर जिसमें जो अपोजिट एंगल है बी ओ डी इनका सम 180 होगा अपोजिट एंगल ए और सी इनका सम भी 180 होगा अब थ्योरम टेन पॉइंट वन टू के अकॉर्डिंग अगर एंगल का सम पहले से ही गिवन है वन एटी है इनका अपोजिट एंगल का सम तब जो ये क्वारिलेटर है वो साइक्लिक बन जाएगी नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वन इन फिगर ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल थर्टी डिग्री एंड एंगल ए बी सिक्सटी डिग्री इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी विच मीन्स फिगर में ए बी सी थ्री पॉइंट्स सर्कल पर हैं जिस सर्कल का सेंटर है ओ सर्कल का सेंटर ओ है ए बी सी ये थ्री पॉइंट सर्कल पर ही हैं अब एंगल बी ओ सी गिवन है थर्टी यानी कि यहाँ पर शो भी किया है बी ओ सी थर्टी है बी ओ सी नाउ एंगल ए ओ बी भी गिवन है सिक्सटी ए ओ बी ये सिक्सटी गिवन है जो कि फिगर में शो किया गया डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल डी एक पॉइंट है सर्कल पर अदर देन द आर्क अब ए बी सी जो आर्क है इस आर्क पर नहीं है डी पॉइंट इससे अलग जो आर्क है यहां पर इस पर डी पॉइंट शो किया गया नाउ फाइंड एंगल ए डी सी ए डी सी ये एंगल हमें फाइंड करना है सो so, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे गिवन है एंगल बी ओ सी की वैल्यू थर्टी एंगल ए ओ बी की वैल्यू सिक्सटी सी हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेट किया अब एंगल ए डी सी फाइंड करना है तो इसके लिए हमने फर्स्ट और सेकेंड को एड किया है लेफ्ट में लेफ्ट राइट right में राइट right ऐड करेंगे बी ओ सी और ए ओ बी को एड किया राइट साइड यानी कि थर्टी प्लस सिक्सटी थर्टी प्लस सिक्सटी नाइन्टी हो जाएगा अब बी ओ सी ए बी को प्लस करके देखेंगे फिगर में क्या बनता है बी ओ सी और ए बी बी ओ सी एंड ए ओ बी इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो कंप्लीट एंगल बनेगा ए ओ सी तो यहां पर हमने राइट किया ए ओ सी यहां पर ये सी पॉइंट है नाउ अगर ये कंप्लीट एंगल है 90 जो कि सेंटर पर फॉर्म हुआ है इस आर्क की हेल्प से तो हमने रिजल्ट डिस्कस किया था कि जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल फॉर्म हुआ है अब आर्क जो ए बी सी है आर्क ए बी सी ने सेंटर पर एंगल जो फॉर्म किया वो 90 है तो जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर हमने एक पॉइंट डी लिया और उस पर ये एंगल जो फॉर्म हुआ है वो सेंटर का हाफ हो जाएगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग अभी हमने थ्योरम डिस्कस की थी थ्योरम हमने यहां पर डिस्कस की थी थ्योरम टेन पॉइंट एट तो इस टेन पॉइंट एट थ्योरम की हेल्प से जो एंगल ए डी सी है वो एंगल ए ओ सी का हाफ होगा तो देख लेते हैं आर्क ए सी मेक्स एंगल रिमेनिंग सर्कल दे ए डी सी का ए सी की वैल्यू नाइनटी है अब यहाँ पर मैंने राइट किया थियोरम टेन पॉइंट एट की हेल्प से ये रिजल्ट हुआ है देयर फोर अब थियोरम टेन पॉइंट एट की कंप्लीट स्टेटमेंट राइट करेंगे अब नाइन्टी इक्वल टू टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी है टू लेफ्ट साइड जाएगा तो नाइन्टी के डिवाइड में जाएगा एंड नाइन्टी बाय टू फोर्टी फाइव आ जाएगी एंगल ए डी सी की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी तो इस तरह से हमने यहाँ पर थ्योरम टेन पॉइंट एट के रिजल्ट की हेल्प से एंगल ए डी सी फोर्टी फाइव फाइंड किया नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन टू के स्टेटमेंट देखते हैं अ कोड ऑफ अ सर्कल ट रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल की जो कोड है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल के फाइंड द कोड एट पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट आर्क। अब कोड ने जो एंगल सब किया है माइनर और मेजर आर्क पर हमें वो फाइंड करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे अब कोड गिवन है हमने उसे लेट किया पी क्यू है कोड फिगर में देखेंगे पी क्यू एक कोड है हमने सेंटर ओ को पी से ज्वाइन किया और क्यू से ज्वाइन किया अब गिवन था कि जो कोड की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है यानी कि जो ओ पी रेडियस ओ क्यू रेडियस है वो पी क्यू कोड के इक्वल है तो ये है गिवन पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हमें जो एंगल फाइंड करने हैं वो एंगल हमें फाइंड करने जो माइनर आर्क और मेजर आर्क पर बने हुए हैं तो फिगर देखते हैं एंगल हमें पी ए क्यू और पी बी क्यू फाइंड करना है जो कि माइनर और मेजर आर्क पर फॉर्म हुए हैं एंगल पी बी क्यू और एंगल है पी ए क्यू ये हम फाइंड करेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट फोर पी क्यू ओ पी ओ क्यू ये तीनों इक्वल हैं ये हमें गिवन है अगर ये तीनों इक्वल है तो यहाँ पर ओ पी क्यू क्या बन जाएगी इक्विलिटल ट्रायंगल। अब इक्विलिटल ट्रायंगल में ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे सिक्सटी सिक्सटी डिग्री के तो इसकी हेल्प से जो एंगल पी ओ क्यू है वो हो जाएगा सिक्सटी के इक्वल अब सेंटर पर एंगल बना है पी ओ क्यू तो थ्योरम टेन पॉइंट एट हेल्प से जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होता था वो डबल होता था रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल फॉर्म हुआ है तो इसकी हेल्प से हम राइट करेंगे एंगल पी ए क्यू अब एंगल पी ए क्यू हाफ हो जाएगा ओ क्यू के क्योंकि जो सेंटर पर एंगल है वो तो डबल है पी ए क्यू के यानी कि पी ए क्यू हाफ होगा पी ओ क्यू से तो पीओ क्यू अगर सिक्सटी है तो पी ए क्यू सिक्सटी डिवाइड बाई टू यानी कि थर्टी हो जाएगा तो ये हमने मैंशन कर दिया रिजल्ट एंगल सप्रेंडेड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज हाफ द एंगल सप्रेंड एट द सेंटर यानी कि जो भी सेंटर पर एंगल फॉर्म हुआ उसका हाफ होगा जो रिमेनिंग पार्ट पर फॉर्म हुआ है तो इसकी हेल्प से एंगल पी ए क्यू थर्टी डिग्री आ जाएगा नाउ अब हम देखेंगे फिगर में पी ए क्यू बी अब पी ए क्यू बी ये है सर्कल पर पॉइंट तो इन्हें हमें ज्वाइन करके देखा तो ये बनती है क्वाडिलेटर अब ये क्वाडिलेटर कैसी है साइक्लिक क्वाडिलेटर है अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाडिलेटर में जो अपोजिट एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है 180 के इक्वल तो एंगल पी ए क्यू हम फाइंड कर चुके हैं थर्टी का ये था थर्टी और अपोजिट एंगल है पी बी क्यू जो कि हमें फाइंड करना है तो इन दोनों का सम 180 है तो 180 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो पीबी क्यू हमारे पास आ जाएगा तो ये हम राइट करते हैं फिगर में पी बी ए क्यू यानी कि ए पी बी क्यू भी कह सकते हो ए पी बी क्यू एक साइक्लिक कोर्डिलीटर है तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया पीए क्यू हमने फाइंड किया था वैल्यू पुट की हमने तो इसे हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा वन एटी माइनस थर्टी वन फिफ्टी तो इस तरह से एंगल पी बी क्यू वन फिफ्टी आ जाएगा यहां पर रिजल्ट अप्लाई हुआ है सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वार इज वन एटी हमें एंगल फाइंड करने थे एंगल हमें फाइंड करना था सबेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क तो माइनर आर्क और मेजर आर्क पर जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ पी ए क्यू और पी बी क्यू हमने फाइंड किए पी ए क्यू थर्टी और पी बी क्यू वन फिफ्टी तो इस तरह से हमने क्वेश्चन टू डिस्कस किया सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज टेन पॉइंट फाइव थ्योरम रिजल्ट एंड क्वेश्चन वन एंड टू होप सो आपको ये क्वेश्चन और थ्योरम्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी थैंक यू